इस मातृभूमि के अंदर रह करके अगर कोई तलबानियों के लिए गीत गाएगा वो मुल्क का गद्दार है। उसने इस मातृभूमि की इस नमक के खाई हुई धरती के साथ अपमान किया है, उसकी पीठ पे छुरा करता है। बच्चे छोड़ छोड़ के मजबूरी में लोग जा रहे हैं, दीवारों टाप रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, जगह जगह AK-47 है इनकी, बदमाशों की इनकी ऐसी की तैसी, ये महागुंडे, ये मुसलमान है ही नहीं। ये लोग जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर हैं। ये लोग तलबानियों की जो हिंदुस्तान के अंदर आके गीत गाएगा वो सबसे बड़ा खतरनाक तलबानी आतंकवादी है। उनको उठाओ और उठा के इनको बॉर्डर पे भेज दो, जब प्लेन में छोड़ दो, आपको आप वहीं रहिए। अगर यहाँ तलबानी भाषा का प्रयोग होगा हिंदुस्तान के लोगों को सड़क पे निकलना होगा, पकड़ना होगा ऐसे लोगों को। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब लगातार तालिबान बर्बरता अफगानिस्तानी नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के साथ कर रहा है। साथ ही भारत में भी कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान को बधाइयां दे रहे हैं, तालिबान की बवाइयां कर रहे हैं और तालिबान को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इस सफर हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने आतंकवाद के लिए सालों लड़ाई लड़ी है, जिंदा शहीद हैं, जिनको देश सलाम करता है, जिनके आगे, जिनके हौसले के आगे दुश्मन पस्त नजर आते हैं। हमारे साथ श्री MS बिट्टा जी हैं। सर, सवाल है कि क्या लगता है कि जो तालिबान ने इतने सालों में नहीं कर पा रहा था वो कुछ चंद दिनों में कैसे तालिबान कर गया और अफगानिस्तान पूरे पे कब्जा कर पाया? देखो, पहली बात, अफगानिस्तान तालिबानियों की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम अपने हिंदुस्तान की बात करें। जिस धरती के अंदर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, उन बहादुर शहीदों ने इस मातृभूमि के, किसी ने फांसी के रस्से को चूमा, किसी ने सीने पे गोलियां खाई, किसी ने अंग्रेजों की लाठियां खाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर चांदनी चौक, उनके खून से सजी हुई ये धरती, इस धरती के हर नस नस में उन शहीदों का खून भरा हुआ है और हम इस मातृभूमि की धरती के आगे सिर झुकाते हैं। उस मिट्टी पे हम कीड़े मकौड़ों की तरह हैं, इतनी पवित्र धरती है, पर हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, इस मातृभूमि के अंदर रह करके अगर कोई तलबानियों के लिए गीत गाएगा वो मुल्क का गद्दार है। उसने इस मातृभूमि की इस नमक के खाई हुई धरती के साथ अपमान किया है, उसकी पीठ पे चुरा खोपा है। वो तलबानी आतंकवादियों से कम नहीं है जो भारत में ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, उनको नजर नहीं आता? ये मुस्लिम ला बोर्ड और एक मेंबर पार्लियामेंट, बकरी क्या कहते हैं उसको, अच्छी दाढ़ी, कम से कम उम्र होगी 85-88 साल, आज नहीं तो कल हर व्यक्ति ने जाना है, पर इस उम्र में अकल ना आए, समझ ना आए, और जो औरतों के साथ जबर जना करते हैं और तलबानी आकर के लाइन में खड़ा करके बेगुनाहों को गोलियां मार रहे हैं और औरतों के अंदर दहशत फैला दी, मानवता का कत्लेआम कर रहे हैं, बच्चे छोड़ छोड़ के मजबूरी में लोग जा रहे हैं, दीवारों टाप रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, जगह जगह AK-47 है इनकी, बदमाशों की इनकी ऐसी की तैसी, ये महागुंडे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मेरे से उम्र से ये बड़े हैं। इस मातृभूमि के अंदर रह करके आप AK-47 मानवता का कत्लेआम करने वाले, गुरुद्वारा साहब और मंदिरों का सबका और मुस्लिम समाज के लोगों का अपमान करने वाले, मुस्लिम समाज भी हमारे भाई बहन हैं, वो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, वो हमारी बेटियां हैं जो तड़प रही हैं वहाँ पे अफगानिस्तान में तलबानियों के कहर से, जो तड़प रही हैं हिंदुस्तान से, अपनी माँ का, अपने बच्चे को, अपने पिता को, अपने भाई को याद कर रही हैं, टेलीफोन पर कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रही, यहाँ बैठी हुई हैं धरने के ऊपर। ये मुसलमान है ही नहीं। ये लोग जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर हैं। ये लोग, आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई हो सकती है, आजाद विचारधारा लड़िए,
पर तालिबानियों की जो हिंदुस्तान के अंदर आके गीत गाएगा वो सबसे बड़ा खतरनाक तालिबानी आतंकवादी है। उनको उठाओ और उठा के इनको बॉर्डर पे भेज दो, जब प्लेन में छोड़ दो, आपको आप वहीं रहिए, अपने बच्चे, अपनी माता, अपनी बेटियां, अपने रिश्तेदारों को लेके चले जाइए। कोई केस रजिस्टर ना करे सरकार, मैं तो कहूंगा इनके लिए एक प्लेन खड़ा कर दो दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, जहां जहां भी ये शोर मच रहा है इनका, चैनलों के अंदर जो तालिबानियों की मदद कर रहे हैं, इनको बिठाइए और बैठा करके इनको भेज दीजिए। नया जो तालिबान बना अफगानिस्तान, ये आतंकवादी ओसामा बिन लादेन सबसे खतरनाक आतंकवादियों का जो ग्रुप है, इनको भेज दीजिए। सीधी चीज है, मैं सरकार को कहूंगा केस रजिस्टर करने से कुछ होने वाला नहीं है। तिरंगे झंडे का अपमान हुआ था ना 26 जनवरी को, यह धार्मिक संस्थाओं ने सिख समाज का नाम लेके, सारे सिख खालिस्तानी नहीं थे, छुड़वा दिया ना, तो इनके लिए भी टीवी में रोज डिबेट होगी, मुफ्त की पब्लिसिटी होगी। मैं बार बार आपको कह रहा हूं और पहली बार कह रहा हूं, प्लेन लगाइए, जो जो तालिबानी बादशाह हिंदुस्तान में बोलता है किसी धर्म और मजहब का, उनके सारे परिवार को बिठाइए और उनको पैसा भी दीजिए, 2 महीने का राशन दीजिए, उसके बाद तालिबानी जो नए आतंकवादी आए हैं वही आपको सवारेंगे, इनको भेज दीजिए। और कोई हल नहीं है, और बहस का कोई हल नहीं। मेरे पे बम चलाए आतंकवादियों ने, फांसी की सजा हुई, केजरीवाल ने छोड़ दिया, कांग्रेस ने छोड़ दिया, अकालियों ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। ये तो पॉलिटिक्स है, लाशों पे राजनीति होती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, जहां वोट है वोट के लिए भारत माँ को ये लोग भेज देते। ये भारत माँ का नुकसान कर दिया, भारत माँ की पीठ पे छुरा मारा, ये पर्सनल रॉ बोर्ड ने जो बोला है, ये जो मेंबर पार्लियामेंट समाजवादी ने बोला है, को मेरा नुकसान तो किया, मेरे हृदय को तो ठेस पहुंची, पूरी भारत माता को ठेस पहुंची। वो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग की शहीदों की वो रूह ऊपर से देखती होगी, ये पर्सनल लाभ बोर्ड वाला जो जो बोला है, या एक एमपी बोला है, मुझे नाम भी नहीं आता, उनकी रूह रोती होगी। क्या इसलिए भारत को आजादी लेके दी थी कि यहां तालिबानी बसाएंगे? यहां याद रखें, ये लोग, हम सेकुलर लोग हैं, हम हमेशा कहते हैं ये तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के बुना हुआ है। देश आजाद हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने सीने पे गोलियां खा के आजाद कराया है। पर पहली बार इनको वार्निंग देता हूं, अगर यहां तालिबानी भाषा का प्रयोग होगा, हिंदुस्तान के लोगों को सड़क पे निकलना होगा, पकड़ना होगा ऐसे लोगों को, और जो सेकुलरिज्म की बात करेगा, जो अफगानिस्तान के वो मजलूम, अफगानिस्तान की वो मेरी माएं, वो बहनें, जिनको घरों में बंद कर दिया गया और निकाल करके लोगों को विरोध करने वाले को लाइन में खड़ा करके गोलियां मार रहे हैं, मानवता को मार रहे हैं, अगर उनका ये सपोर्ट करते हैं तो इनको मेरा चैलेंज, इनको मेरी वार्निंग है कि लोग सड़कों पे निकलेंगे, आपको पकड़ेंगे। बकवास बंद कीजिए, आप उम्र में बड़े हैं, आपकी इज्जत करते हैं, अगर मातृभूमि का अपमान करोगे, अगर शहीदों का अपमान करोगे, वो जवान जिन्होंने हजारों लाखों जवानों ने सीमाओं की, मातृभूमि की रक्षा के लिए शहादत दी, एक कश्मीर के अंदर 370 धारा हमने हटा दी, तिरंगा तिरंगा करा दिया, अब नया काम आपने तालिबानियों का शुरू कर दिया, आपको लगा तालिबानियों ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर दिया, जो हिंदुस्तान में आ जाएंगे मार मार भगाएंगे, 70,000 हैं, अरे 70,000 तो हमारी एनसीसी है, 4 लाख के ऊपर तो हमारी सिविल डिफेंस है, हमारी और छोटी छोटी फोर्सें हैं, फौज, पुलिस, पैरामिलिट्री तो बाद में है, इनको मार मार भगाएंगे अगर ये हमारी तरफ देखने की कोशिश करेगा, इनको तकलीफ होगी। अब इनके चेहरे नकाब होने शुरू हो गए चैनलों के अंदर, तालिबानियों की मर आए, रोज चैनल वाले बुलाएं और इनकी लिस्ट बनाएं, ये कौन कौन है तालिबानियों के समर्थक, हमारे लिए तो अच्छा है बोल रहे हैं, पर इनका इलाज पूरा यही होगा, पूरा बड़ा प्लेन भर के जैसे वहां से आ रहे ऐसे वापस इनको भेज, ये लोग मानवता के दुश्मन है, ये अपने आप को बचाने के लिए लोगों का समर्थन लेने की, कोई दुनिया का देश इनको समर्थक नहीं करेगा, जो देश समर्थन करेगा वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, चाइना ने समर्थन किया, इसका मतलब चाइना तालिबानिया के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहता है, पाकिस्तान ने समर्थन किया, पाकिस्तान इन आतंकवादियों के आगे, तालिबानियों के आगे बंदूक चला के लड़ना चाहता है, आज क्लियर हो गया 10,000 से ऊपर आतंकवादी
बंदूकों समेत आईएसआई के पाकिस्तान के उन्होंने फौरन वापस भेज दिए। तो क्लियर पिक्चर हो गई कि अफगानिस्तान को कौन तोड़ना चाहता था? पाकिस्तान। हम अफगानिस्तान मानवता की बात करता था, हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी उसको सपोर्ट करते थे। एक तरफ पाकिस्तान हमारा दुश्मन, एक तरफ चाइना दुनिया का मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने घर घर में कोरोना फैलाया, घर घर में बेचारी माओं बहनों बच्चों का कत्लेआम हो गया। हिंदुस्तान ने दुनिया के हर कोने में दीवार के ऊपर दीवार, उसका दरवाजा, उसके मौत खड़ी थी। वो दुश्मन, समाज के दुश्मन, दुनिया के दुश्मन, उनके लिए हिंदुस्तान के अंदर ये पर्सनल लॉ बोर्ड ये खड़े होंगे। मैं चैलेंज करता हूँ कहीं भी मेरे से बहस कर ले, मानवता का मतलब बता दे, मानवता। आपके चेहरे नकाब हो गए, तलवानियों को मुबारकबाद देते हैं। सरकार में अगर दम है तो सरकार प्लेन लगाए दिल्ली में, इज्जत से लाए और बैठाए और धक्का दे के छोड़ दे और पैसे हाथ में दे। दो महीने वो इनको इनको कोई भूखे नंगे, इनको कुछ खिलाने वाले नहीं है, इनको भेज दे। यही तरीका, और कोई तरीका आपको पता है? ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को फांसी पे लगा दिया था किसी वक्त तलबानियों ने। उसकी पत्नी यहाँ रहती है, उसको कोठी है, उसके सुरक्षा है, और अफगानी यहाँ रह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। अफगानी अभी भी आए, अफगानी हमारी बेटियाँ आई हैं, स्टूडेंट आई हैं, गुजरात में आई हैं। सिख हिंदू और अफगानी की तो कोई बात ही नहीं। जो भी मानवता का दुश्मन है, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है। सर, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है, आपने काफी आतंकवादियों के साथ जंग लड़ी है, इनकी मानसिकता क्या है? अब ये आगे अगला कदम क्या उठा? देखो, इनका बड़ी अभी देखना पड़ेगा, पूरी दुनिया को एक होना पड़ेगा। जितनी देर तक दुनिया एक नहीं होगी, ये तलवानी दुनिया के अंदर एक खतरा है। 11 सितंबर की घटना अमेरिका की हमें याद रखनी चाहिए, यही तलवानी थे, यही उसामा बिन लदेन था। प्लेन अगवा करके पूरे अमेरिका के अंदर, दुनिया के अंदर दहशत फैला दी। अभी भी हम नहीं समझे, जगह जगह पे आतंकवाद फैलाया उन्होंने, अभी भी नहीं समझे। अभी संयुक्त राष्ट्र की बैठक होने वाली है, उस पर चर्चा होगी। पूरी दुनिया को एक करना पड़ेगा, अगर दुनिया एक नहीं होगी तो हिंदुस्तानी दुनिया में सबसे ज़्यादा सबको खतरा है। हम लड़ाई के लिए तैयार खड़े हैं, हमारे कश्मीर की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ को आके देखेगा, हम तैयार खड़े हैं। अभी देखा ना योगी जी ने क्या किया, योगी जी ने जाके यूपी के अंदर किसी जगह के ऊपर देवगन कहाँ पे, वहाँ पे एक कमांडो के दस्ते बना दिए। हमारी तैयारी है, हमारी हिंदुस्तान में भी तैयारी है, हमारी सरहदों पर भी तैयारी है, हमारी अंदरूनी सुरक्षा भी मजबूत है। पर सबसे पहले ये जो बोलने वाले हैं तलवानियों के हक में, फटाफट प्लेन में भेजें और चले जाएं, बस और कोई हल नहीं है। इस मुल्क के अंदर मैं बार बार कहता हूँ, इस्तफाकुल्ला खां, अब्दुल हमीद, ये यूपी के गाजीपुर के, जिन्हें पाकिस्तान की जंग के ऊपर अपने शरीर के ऊपर 7 बम बांध करके पाकिस्तान के टैंक, कई टैंक तबाह कर दिए थे, वो अब्दुल हमीद वो थे मुसलमान मेरे भाई, जो हमारे आदर्श, जिनके आगे सिर झुकता है। ये मुसलमान समाज पे कलंक है, सारी मुस्लिम कौम के ऊपर ये लोग प्रश्न चिन्ह लाते हैं। आम मुसलमान भाई के साथ इन लोगों, इन चीज़ों से तलक नहीं है, इन नेताओं के कारण, ये धर्म के चंद ठेकेदारों के कारण, ये समाजवादी पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट, इसके कारण सारे मुसलमान भाई कटारे पे खड़ा कर देते। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर, लाल किला के अंदर, 26 जनवरी के अंदर कुछ खालिस्तानियों ने तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया, अपमान करके पकड़े जाते हैं, फिर हमारी सिख संस्थाएं खड़ी हो जाती हैं बड़ी बहादुरी की, फिर उसको जेलों से छुड़ा देते हैं। अरे, इस मातृभूमि पे हमारे गुरुओं ने, हमारे शहीदों ने खून बहाया भाई। यह धरती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की धरती है भाई, इस धरती का हम नमक खाते हैं, इस मिट्टी में जन्म लिया है हमने, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, हमारी आगे जनरेशन चलेगी, इस मातृभूमि के साथ धोखा करोगे? इनकी ऐसी की तैसी खालिस्तानियों की और पर्सनल लॉ बोर्ड वालों की है हिम्मत? पर्सनल लॉ बोर्ड और एमपी मेरे से बहस कर ले, हार जाऊं जो सजा मुझे देनी दे दे, हिंदुस्तान पे बात करूंगा, तलबानियों के बात करूंगा, आतंकवाद पे बात करूंगा, अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान की मेरी माएं बहनें बच्चे जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिन पे गोलियां चल रही है, उस पे बात करूंगा कि आपकी माँ बेटियां बहनें आपकी नहीं है, आपके रिश्तेदार अपनी बेटियां नहीं है, आपकी बेटियां हमारी बेटियां, क्या उनका आपको फिक्र नहीं है कि लोग उनको क्या सवाल पूछेंगे? आप छोटी सी गंदी राजनीति करते हुए ऐसी गंदी भाषा का हिंदुस्तान के अंदर प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा,
कि अमेरिका से आजाद। याद रखिएगा, ये बार बार कहना मोदी हिंदू पार्टी, बिल्कुल नहीं, मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री शरीफ आदमी है। अगर यहाँ आतंकवाद की बात कोई करेगा उसका हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, याद रखना। अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ऐसी चर्चा करता है, आतंकवादियों की जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, मानवता का कत्लेआम करते हैं।